दूसरे में हम मिलाएंगे सैफ्रॉन कलर और तीसरे को हम व्हाइट ही रहने देंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाएंगे आगरा के पेठे के लड्डू। इसमें हम गैस का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस फायरलेस रेसिपी को आप बनाइए या आपके बच्चों से बनवाइए। आज इसको हम ट्राई कलर में बनाएंगे। जब भी आपके बच्चों के स्कूल में नो फायर कुकिंग या ट्राई कलर का कंपटीशन हो तो आप इसे बनवा सकते हैं। यह झटपट बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है। ये जो कलर आज हम यूज कर रहे हैं ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आगरा के पेठे के लड्डू बनाना। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम इस पेठे को कद्दूकस करेंगे। ये मैंने 200 ग्राम पेठा लिया है। ये पेठे को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब हम लड्डू की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए ये मैंने 8 से 10 काजू लिए हैं, 10-15 किशमिश ली है और ये थोड़े से दाने खजूर के लिए हैं। ये फ्लेवर्ड खजूर है, बाजार में आपको आसानी से मिल जाएंगे। इन सभी को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे और साथ में मैंने ली है 5 से 6 इलायची। इसको छिलके उतारकर हम बारीक पीस लेंगे। ये मैंने काजू, किशमिश, खजूर और इलायची को कूटकर मिक्स कर लिया है। अब हम इस क्रश किए हुए पेठे में मिलाएंगे मिल्क पाउडर। ये मैंने आधा कप मिल्क पाउडर लिया है और साथ में मिलाएंगे 1 कप नारियल का बूरा। अब इन सभी को हम हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें हमने मीठा बिल्कुल भी नहीं मिलाया है क्योंकि पेठा और मिल्क पाउडर दोनों ही मीठे होते हैं। अब हम इसको 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हमें 3 कलर का बनाना है आज। ये मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब हम इसमें कलर ऐड करेंगे क्योंकि आज इसको हम ट्राई कलर का बना रहे हैं। तो एक में मैं मिलाऊंगी ग्रीन कलर, दूसरे में हम मिलाएंगे सैफ्रॉन कलर और तीसरे को हम व्हाइट ही रहने देंगे। ये कलर्स मैंने डाल दिए हैं। अब हम इसको हाथों से मिक्स करेंगे। लेकिन जब हम एक कलर को मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम हाथों को अच्छे से वॉश करेंगे, उसके बाद दूसरे कलर को मिक्स करेंगे। ये कलर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने सैफ्रॉन कलर को मिक्स कर लिया है। अब हम ग्रीन कलर को मिक्स करेंगे। इससे पहले मैंने हाथों को पूरी तरह से वॉश कर लिया है। ये कलर्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इनके लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कलर में से हम लेंगे थोड़ा सा पार्ट। आप किसी भी साइज का बना सकते हैं, छोटे या बड़े। इस तरह से इसको रोल करेंगे, थोड़ा सा इसको फ्लैटन करेंगे और जो हमने ये फिलिंग तैयार करी थी उसको सेंटर में भरेंगे और इसको इस तरह से चारों ओर से वापस से हम पैक कर देंगे। इसको इस तरह से वापस से हम रोल बनाएंगे और एक लड्डू का अच्छा शेप इसको दे देंगे। ये देखिए, ये लड्डू बनकर तैयार है। इसको हम प्लेट में रख लेंगे। बस इसी तरह से हम सारे बना के तैयार कर लेंगे। ये सभी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए ट्राई कलर में कितने सुंदर लग रहे हैं। आप चाहें तो इसको बादाम से गार्निश भी कर सकते हैं। सभी लड्डू को मैंने बादाम से गार्निश कर लिया है। ये बादाम लगाने से और भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी बने हैं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।